Hello guys, welcome to our YouTube channel Wisdom Academy. So today we will solve a next sum of partnership final account. So आज हम सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट सम जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है पेज नंबर 55 पे. ये आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम का सम है. ओके, सो आइए सम को स्टार्ट करते हैं. रीड करेंगे फर्स्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेजर्स मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ओके, सो आपको मिसेस मितेश एंड मंगेश के फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और इसकी हेल्प से आपको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. ओके, सो आइए हम ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे. आप फर्स्ट दिया है आपको स्टॉक एज ऑन 1st April 2018. कौन सा स्टॉक है हमारा? ओपनिंग स्टॉक. कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. थोड़ा सा फटाफट करेंगे बिकॉज आई होप अब तक आपको याद हो गए होगा कि कौन सा आइटम्स कहाँ पे पोस्ट होने वाला है. करेक्ट. नेक्स्ट है बिल्डिंग असेट्स है. सो बैलेंस शीट के असेट साइड. कैरेज, क्या है ये? कैरेज इनवर्ड. कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस. अब देखो सिर्फ इंश्योरेंस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि ये फैक्ट्री का इंश्योरेंस है. एंड आपको पता है कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम जो फैक्ट्री की होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. नेक्स्ट वन पोस्टेज. ओके, क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल. इट इज अ टाइप ऑफ असेट, सो बैलेंस शीट के असेट साइड. सन्ड्री डेटा, अगेन असेट्स. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट दिया है रिटर्न इनवर्ड. आपको बताया था कि जब भी रिटर्न का बैलेंस डेबिट साइड होगा तो वो किससे माइनस होगा? सेल्स में से माइनस होगा. ओके, तो लिखेंगे लेस फ्रॉम सेल्स. नेक्स्ट है परचेज. कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. नेक्स्ट ऑडिट फीस. किसको देते हैं ऑडिट फीस? ठीक है, जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, उसको हम क्या पे करते हैं? ऑडिट फीस पे करते हैं. तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट लूज टूल्स. क्या है हमारा? असेट्स है. सो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब कि प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा. सो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. आपको पता है कि जो भी एक्सपेंसेस गुड्स से कनेक्टेड होंगे वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही पोस्ट किए जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे खुद उसने मेंशन किया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब कि प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करना. ओके, सो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड. नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. ओके, नेक्स्ट वन जनरल एक्सपेंसेस, कुछ बचे कुचे खर्चे. सो वो भी हम कहाँ पोस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट ड्यूटी. आपको मैंने बताया था कि कोई भी ड्यूटीज हो वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही पोस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी को छोड़कर. ओके, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, ये कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग में. लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में. ये एक्सपोर्ट मतलब कि प्रोडक्ट को किसी और प्लेस पे एक्सपोर्ट करने का खर्चा है. सो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. नेक्स्ट कैश इन हैंड असेट्स, सो बैलेंस शीट के असेट साइड. बैंक बैलेंस, अगेन असेट्स, बैलेंस शीट के असेट साइड. कन्वीनियंस, ओके, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. गुड्स को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करते हैं, उसको हम कन्वीनियंस बोलते हैं. सो ये भी क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. फर्नीचर असेट्स, बैलेंस शीट के असेट साइड. सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के
डेबिट साइड। नेक्स्ट है ड्राइंग, सो ये कहाँ जाएगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। अब आते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंसेस पे, सो फर्स्ट दिया है आपको सन्ड्री क्रेडिटर, क्या है हमारी लायबिलिटी, सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कैपिटल का बैलेंस दिया है तो सिंपली कहाँ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आगे देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या है सैलरी पे करना बाकी है, मतलब कि हमारी क्या है लायबिलिटी, सो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, क्या है हमारा लायबिलिटी, सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, बोला था आपको कि अगर कोई रिटर्न क्रेडिट साइड होता है तो वो कहाँ से माइनस होगा परचेज से माइनस होगा, इसको ध्यान देंगे ओके। अगर रिटर्न डेबिट साइड है तो वो सेल्स में से माइनस होता है, अगर रिटर्न क्रेडिट साइड है तो वो परचेज में से माइनस होता है ओके। तो हमारा नेक्स्ट है करेंट अकाउंट ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कैपिटल का बैलेंस भी दिया है और करेंट का बैलेंस भी दिया है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आपको कैपिटल और करेंट दोनों का बैलेंस दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, और जो उनका कैपिटल है वो हम कहाँ पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज इट इज पोस्ट कर देंगे। तो ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज इट इज पोस्ट कर देंगे ओके। ध्यान देंगे ये कौन सा मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फिक्स कैपिटल मेथड में कभी भी कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है उसको हम एज इट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पोस्ट कर देंगे और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का एक नया अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ओके। अब जो ये ड्राइंग आया था क्वेश्चन में ओके, वो ड्राइंग हम कहाँ डालेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं ओके। सबको समझ में आया, आइए अब हम हमारी एडजस्टमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके आपको कोई इफेक्ट नहीं देने, यह सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है ओके। सो आपको इसके कोई इफेक्ट पोस्ट नहीं करने, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है रेशियो के बारे में ओके। नेक्स्ट पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। बोलने का मतलब क्या है कि एक हर पार्टनर को, दो पार्टनर हैं मितेश एंड मंगेश, तो दोनों पार्टनर्स को क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है 1% का ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ओके। सो सिंपली क्या इफेक्ट देंगे, एक तो कमीशन किसको मिल रही है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गई इनकम ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, मतलब कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि उनके लिए इनकम है तो क्या हो जाएगी क्रेडिट साइड जाएगी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस ओके। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है लेकिन फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर है, सो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि हम फर्म का एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओके। समझ में आया। नेक्स्ट वन द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700 ओके। सो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है, ये एडजस्टमेंट हमने बहुत बार देखी है राइट अब तक जितने भी सम्स किए सारे सम्स में ये एडजस्टमेंट कन्फर्म दी गई थी। सो कहाँ जाएगा इसके इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड ओके। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस ₹400, कैरेज ₹600। उसने खुद बोला है वो क्या है आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अनपेड। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है,
फर्स्ट इफेक्ट तो हम हमेशा आउटस्टैंडिंग को ऐड ही करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं, ओके? सभी हमेशा ध्यान रखेंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। तो क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट दोनों एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। सो ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, मतलब कि ऐड टू ऑडिट फीस एंड ऐड टू कैरेज, ओके? सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि पे करना बाकी है, मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी, करेक्ट? सो कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिफ्थ वन, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500, ओके? सो हमने ट्रायल बैलेंस में देखा कि बिल्डिंग की अमाउंट कितनी थी, ₹48,500। और अब ये क्या बोल रहा है कि जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया तो हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो कितनी बची है, 46,500 की। इसका बोलने का मतलब क्या है कि बिल्डिंग क्या हो गई, 48,500 से रिड्यूस होकर 46,500 तक की वैल्यू उसकी पहुंच चुकी है, ओके? सो ये जो अमाउंट दी है वो आपको आउटर कॉलम में लिखनी है, कहाँ पे, आउटर कॉलम में। और जितने का डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो गया, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। सबको समझ में आया इफेक्ट, वापस से रिपीट कर रही हूँ, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500 और आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था 48,500। इट मींस कि इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें रिडक्शन हो रहा है, वो 48,500 से 46,500 पे पहुंच गई है, राइट? तो इट मींस क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। तो इफेक्ट क्या देते हैं डेप्रिसिएशन का, लेस फ्रॉम बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर असेट से माइनस कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या है, हमें असेट्स पे लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सबको समझ में आया, ये जो अमाउंट दी है वो आपको आउटर कॉलम में लिखनी है और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हो गया आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। नेक्स्ट वन, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अगेन असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो सिंपल, लेस फ्रॉम फर्नीचर, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। अब क्या बोल रहा है कि जो फर्म है वो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है 2.5% का। तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम, क्योंकि उनको अपने कैपिटल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए इनकम है। सो फर्स्ट इफेक्ट हम कहाँ पोस्ट करेंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि उनके लिए इनकम है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कौन पे कर रहा है इंटरेस्ट, फर्म पे कर रही है, तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस है। और हम फर्म का एक्सपेंस कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, ओके? नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। इट मीन्स क्या है ये, ड्रॉइंग, क्योंकि मंगेश ने फॉर्म से गुड विड्रॉ करके खुद के पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया है। सो एज यू नो कि जब भी गुड्स की बात हो तो हम कौन से अकाउंट को याद करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक, कि जब भी गुड्स की बात हो तो हमेशा हमको ट्रेडिंग अकाउंट को याद रखना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स फॉर्म से बाहर जा रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और कौन लेके जा रहा है, मंगेश ड्रॉइंग कर रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड, ओके? ड्रॉइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। और कहाँ जाएगा इफेक्ट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेट। सो हमने ये भी एडजस्टमेंट बहुत बार की है, बैड डेट्स और आरडीडी की, किसके ऊपर चार्ज करते हैं, बैड डेट्स और आरडीडी, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। क्या होती है बैड डेट्स, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, राइट? और आरडीडी क्या होती है कि हमने अज्यूम किया है कि इतने पैसे हमें कस्टमर से नहीं मिलने वाले, ये तो लॉस हो चुका बैड डेट्स, और इसका मतलब क्या कि अभी तक इतने पैसे हमें मिलेंगे नहीं, ऐसा हमने अज्यूम करके रखा है।
सो दोनों भी क्या है हमारा लॉस सिंपली. सो इफेक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स और लॉस है तो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. So, यहाँ पे कुछ 9 एडजस्टमेंट्स थे जो हमने देखी. यहाँ पे कौन सी एडजस्टमेंट नहीं देखी, ये बिल्डिंग वाली, इसको सालवा कर लेंगे, फिफ्थ वन. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन पार्ट. ओके, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग. ओके, सो फर्स्ट कंटेंट है आपका ओपनिंग स्टॉक जो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड. लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 25,000. नेक्स्ट बिल्डिंग जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड. बिल्डिंग रुपीज 48,500. नेक्स्ट वन कैरेज, ये क्या है, कैरेज इनवर्ड, सो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड. टू कैरेज, इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट, सो लिखेंगे इनर कॉलम में 1780 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट वन फैक्ट्री इंश्योरेंस. अब उसने खुद मेंशन किया है कि ये कौन सा इंश्योरेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड. फैक्ट्री इंश्योरेंस रुपीज 2700. नेक्स्ट वन पोस्टेज, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो टू पोस्टेज ऑफ रुपीज 1600. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल असेट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल रुपीज 13,700. नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर, अगेन असेट्स, सन्ड्री डेटर्स रुपीज 52,200. नेक्स्ट वन रिटर्न इनवर्ड, सो कहाँ से माइनस होगा, ये सेल्स में से माइनस होगा, सो बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, हाउ मच रुपीज 1600, लेस कर देंगे. ओके, नेक्स्ट वन परचेज, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, सो टू परचेज 68,900 बिकॉज इसमें से रिटर्न माइनस होगा, इसलिए इसको भी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे. नेक्स्ट है ऑडिट फीस, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो टू ऑडिट फीस. ओके, इस पे एडजस्टमेंट है, सो 1800. नेक्स्ट वन लूज टूल्स असेट्स, लूज टूल्स, हाउ मच रुपीज 32,000. नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रुपीज 3,400. देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 2,600. जनरल एक्सपेंस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस 3,400. नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी रुपीज 1,000. नेक्स्ट वन कैश इन हैंड असेट्स, सो कैश इन हैंड रुपीज 75,000. नेक्स्ट वन बैंक बैलेंस, अगेन असेट्स, सो बैंक बैलेंस 29,000. नेक्स्ट वन कन्वीनियंस, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू
कन्वीनियंस रुपीज 4100। ओके नेक्स्ट वन फर्नीचर असेट्स, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर 64,000। नेक्स्ट वन सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो टू सैलरीज 2000। नेक्स्ट रेंट रेंट एंड टैक्सेस, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700। नेक्स्ट है ड्रॉइंग, जो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, डेबिट साइड, बिकॉज यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। सो डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स रुपीज 1200 एंड 2200। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, मितेश एंड मंगेश, मितेश मंगेश। ओके नेक्स्ट वन क्रेडिट बैलेंसेस, फर्स्ट दिया है सन्ड्री, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, सो लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज 38,000। नेक्स्ट वन सेल्स दिया है, अमाउंट है 1,75,000, माइनस कर लेंगे 0,0,4,4,7,1 1,74,400। ओके नेक्स्ट वन कैपिटल दिया है, कैपिटल बैलेंस ऑफ मितेश एंड मंगेश, सो यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, उसको हम फिक्स कर देंगे, उसमें हम कोई भी प्लस माइनस नहीं करने वाले। ओके सो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मितेश एंड मंगेश रुपीज 1,50,000 एंड 50,000, कितना आ जाएगा 2,00,000। ओके नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या है हमारी लायबिलिटी, लिखेंगे लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीस 2000। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल, अगेन लायबिलिटी, बिल्स पेबल 18,000। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ से माइनस होगा, सेल्स से माइनस होगा, 1,800 लेस रिटर्न आउटवर्ड 1,800, सो 00176। ओके 67,100। सो हमारी लास्ट विद्या है हमें करंट अकाउंट का बैलेंस, सो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट दिया है 3,000 and 2,000। ओके सो सारी आइटम्स हमने पोस्ट, सो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो पार्टनर्स हैं मितेश एंड मंगेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। ओके सो इसको हमें कहीं पोस्ट नहीं करना है, कोई इफेक्ट नहीं देना है। आगे देखते हैं सेकेंड वन, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब बोला गया है कि पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% का कमीशन मिल रहा है। ओके सो इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो पार्टनर्स के लिए इनकम है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकेंड फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड।
लेकिन हमको कैलकुलेट करना है कमीशन किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। तो वो कब कैलकुलेट होगा, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करके निकालेंगे तब। तो ये एडजस्टमेंट हम बाद में सॉल्व करेंगे, ओके। थर्ड देखते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700, ओके। सो आपको पता है कि इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देते हैं, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹23,700, सेकेंड एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ₹23,700, ओके। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेड ऑडिट फीस ₹400 एंड कैरेज ₹600। दोनों भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। हमको पता है कि जब भी आउटस्टैंडिंग आता है तो सिंपली ऐड कर देंगे। देखते हैं फिर, ऐड आउटस्टैंडिंग हाउ मच, ₹600 ऐड कर लेंगे, सो 08132, ओके। और क्या करना है, ऐड ऑडिट फीस, सो ऐड आउटस्टैंडिंग ₹400, सो 002 and 2200। फर्स्ट इफेक्ट दे दिया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैरेज ₹600 एंड ऑडिट फीस ₹400, कितना जाएगा, ₹1,000, ओके, डन। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। अब उसने क्या बोला कि जी बिल्डिंग की वैल्यू वो एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी बची है, 46,500 की। तो जो अमाउंट आपको दी गई वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है, कहाँ पे, आउटर कॉलम में, कितनी बची है, 46,500 की, ओके। और पहले कितनी थी, 48,500। मतलब कि क्या है, अमाउंट में रिडक्शन हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ओके। सो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितने का डिफरेंस है, 2000 का, सो लिखेंगे यहाँ पे 2000, ओके। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सो 2 डेप्रिसिएशन ऑन किस पे है, बिल्डिंग ₹2,000। नेक्स्ट वन, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब बोला है कि फर्नीचर में भी क्या है, डेप्रिसिएशन है 5% की। तो निकालते हैं हम इसका अमाउंट, कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए। सो वर्किंग नोट नंबर वन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना अमाउंट है फर्नीचर का, 64,000। कितना कैलकुलेट करना है, 5%, ओके। सो 20 कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 20, 3,200, ओके। लिखेंगे यहाँ पे अब हम लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 3,200 माइनस कर लेंगे, सो 00806, 60,800। फर्स्ट इफेक्ट दे दिया, सेकेंड क्या है, हमें एसेट्स पे लॉस हो रहा है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर 3,200, कितना आ जाएगा, 5,200, ओके, डन। सो आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ वन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। अब आपको बोला है कि कैपिटल पे, पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5% का, कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस।
सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड. और सेकंड, पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, सो इनकम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. ओके, सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट. वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब आपने कैपिटल बोला है राइट, तो इस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट निकालना है. सो मितेश 150,000 इंटू हाउ मच? 2.5%. सो यहाँ पे कट करने पे आपका आंसर आएगा 3750 रुपीज. नेक्स्ट है मंगेश, 50,000 इंटू 2.5%, कितना आ जाएगा? 1250 रुपीज. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज उनके लिए क्या है? इनकम है. सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? 3750 रुपीज एंड 1250 रुपीज. ओके, नेक्स्ट पार्टनर्स के लिए तो इनकम हो गई, लेकिन फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस. तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. लिखेंगे यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश एंड मंगेश 3750 1250. ओके, इसको ऐड कर लेंगे. सो 0, 0, 0 एंड 5 कितना आ गया? 5000 रुपीज. नेक्स्ट है 8-1, गुड्स ऑफ रुपीज 900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज. ओके, सिंपली क्या है ये? ड्रॉइंग. ओके, सो ड्रॉइंग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? आपको पता है कि जब भी गुड्स की बात की जाए, गुड्स की बात, तो क्या याद करना है आपको? आपका ट्रेडिंग अकाउंट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो गुड्स है वो मंगेश खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है. मतलब गुड्स क्या हो रहा है? फर्म से बाहर जा रहा है. कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. लिखेंगे यहाँ पे बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश ऑफ रुपीज 900. ओके, अब गुड्स कौन लेके गया? मंगेश. ड्रॉइंग किया मंगेश ने, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड. लिखेंगे यहाँ पे 2 गुड्स विड्रॉन, या फिर आप ड्रॉइंग भी लिख सकते हो. किसने लिया है? मंगेश ने, तो मंगेश के कॉलम में लिखेंगे 900. ओके, डन. लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी राइट ऑफ रुपीज 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटा. ओके, अब क्या करना है? सिंपली दोनों भी क्या है हमारा? लॉस. बैड डेट्स मीन्स व्हाट? द अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, राइट? इट क्या है हमारा? लॉस है. सो क्या करेंगे? लेस करेंगे. सो लेस न्यू बैड डेट्स हाउ मच? रुपीज 1000. कितना आ जाएगा? 00211. ओके, अब क्या चार्ज करना है? 51,200 पे आरडी चार्ज करनी है. तो इसके लिए करते हैं हम वर्किंग नोट हमारा. वर्किंग नोट नंबर 3, आरडीडी ऑन डेटर्स. ओके, किस पे चार्ज करेंगे आरडीडी? बैलेंस अमाउंट पे. कितना आ रहा है हमारा बैलेंस अमाउंट? 51,200 इंटू 3%. सो 2 0 कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6, 3 1 3, 5 3 15 रुपीज़. कितना आ गया? 1536 रुपीज़. लेस करेंगे यहाँ से. सो लेस न्यू
RDD 1,500 रुपीस लेस कर लेंगे इसको ऑर्डर कॉलम में, सो 49,694 रुपीस। ओके, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया, दोनों भी क्या था हमारा लॉस, तो हमने क्या किया सन्ड्री डेटर से इसको माइनस कर दिया। सेकंड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सो 2 new bad debts 1,000 add new RDD। अब यहां पे कोई भी ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड RDD नहीं दी गई है। ओके, सो सिंपली हम सिर्फ इसको लिखेंगे 1,536, कितना आ जाएगा 2,536 रुपीस। ओके, सो अब हम क्लोज करते हैं हमारा अकाउंट। सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आइए क्लोज करते हैं। तो हमारा जो क्रेडिट साइड है वो हायर है, जिसको टैली करने पे अमाउंट आ रही है 1,98,000 की। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 1,98,000, और इस अमाउंट में से डेबिट अमाउंट की सारी अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 99,000 रुपीज का। मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 99,000 रुपीज। ओके, सो 2 gross profit carried down। ओके, डन। अब एक एडजस्टमेंट हमने रिमेनिंग रखी थी, कौन सी वाली, सेकेंड वन, जिसमें बोला गया था कि पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% का कमीशन मिल रहा है, करेक्ट। तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको क्लोज करेंगे। सो आइए सॉल्व करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो मितेश कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 इंटू 1%, सो 0 गेट कैंसिल, कितना आ जाएगा 990। नेक्स्ट सेम मंगेश को भी, सो मंगेश इज इक्वल टू 99,000 इंटू 1%, 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 990 रुपीज। ओके, ओके, सो कमीशन किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को। सो पार्टनर्स के लिए क्या है ये इनकम, कहाँ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कमीशन 990। सेम ओवर हियर, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को कमीशन, तो फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस। सो कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2 commission to partners। दोनों का अमाउंट मैं यहां पे ऐड करके लिख रही हूं बिकॉज यहां पे स्पेस नहीं है, 1,980 रुपीज। ओके, डन। तो अब क्लोज करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे था उसको ट्रांसफर कर लेंगे, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 99,000। ओके, सो हमारा हायर साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड हायर है, तो यहां पे लिख लेंगे 99,000। सेम यहां पे लिख लेंगे 99,000। अब जब आप इसको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 63,684, जो क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, कहाँ आएगा डेबिट साइड में, सो 2 net profit carried down हाउ मच 63,684। ओके, सो हमारा नेट प्रॉफिट हमको मिल गया है, तो आप क्या करेंगे नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि हमें रेशियो दिया गया था कितना 3:1 का। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:1, तो ये डिवाइड करते हैं पहले हम रेशियो में, सो वर्किंग नोट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट
सो फॉर मितेश कितना आया था 63,684 × 3/4 कितना आ जाएगा 47,763 एंड फॉर मंगेश सेम 63,684 × 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,921 ओके सो थ्री पार्ट किसका है मितेश का एंड फॉर वर्थ जो पहला पार्ट है वो किसका है मंगेश का आगे हमारा नेट प्रॉफिट यहां पे लिख देते हैं मितेश एंड मंगेश सो 47,763 एंड 15,921 सो हमारा अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच 47,763 एंड 15,921 अब इसको हम क्लोज करेंगे इसको करेंगे टैली तो कितना आएगा 20,161 और इसको करेंगे टोटल तो आएगा 55,503 रुपीज़ सेम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे अब क्या करेंगे इन अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमारा बैलेंस सो हमारा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे आएगा 17,061 यहाँ पे 54,303 ये आ गया हमारा बैलेंस सो अब जो हमारा बैलेंस आया है वो कहाँ पोस्ट करेंगे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे यहाँ पे करेंट अकाउंट मितेश कितना 54,303 एंड मंगेश 17,061 दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में कर लेंगे सो 4,6,3,11,7 कितना आ गया 71,364 अब सिंपली क्या करना है आपको बैलेंस शीट को टैली करना है लायबिलिटी साइड को ऐड करेंगे और असेट साइड को ऐड करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 3,30,364 सेम ओवर ईयर 3,30,364 और आपके बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी विद द सेम अमाउंट ओके सो आज हमने सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम था क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि पेज नंबर 55 पर है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे